हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा डिजिटल वॉलेट क्रेडिट कैश ऐप का। ये एक इंस्टेंट लोन ऐप है और इसमें अगर आप देखें तो अच्छी खासी रेटिंग दिख रही है और इनका कहना है कि 5,000 से 1,00,000 तक का लोन मिल जाएगा। लोन रिपेमेंट पीरियड, इंटरेस्ट रेट सब चीज़ बता रहे हैं। एक आईडी दे रखी कॉन्टैक्ट करने के लिए और लोन लेने का वही प्रोसेस जो सारे लोन ऐप्स का होता है। अब बिना टाइम वेस्ट करें मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर लोन मिलेगा कि नहीं और अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या होगा और क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपको अपने डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप जान ही रहे हैं कि मिनिमम जो लोन अमाउंट ये 5,000 बता रहे हैं और मैक्सिमम ये 1,00,000 बता रहे हैं, यानी इसी के बीच ये विड्रॉल कराएंगे या फिर जितना ये मिनिमम और मैक्सिमम बता रहे हैं। तो जब आप अप्लाई करने के लिए विड्रॉल ऑप्शन पर जाते हैं या फिर अप्लाई करते हैं लोन के लिए तो ये लोग आपसे प्रोसेसिंग फीस मांगते हैं। आप प्रोसेसिंग फीस अलग अलग तरह से मांग सकते हैं, कोई भी ऐसा अमाउंट इन लोग ने रैंडमली बता दिया आपको, या फिर कहेंगे कि 5% आप अपने लोन अमाउंट का दीजिए और अगर आप उसको देते हैं तो तब भी आपको लोन नहीं मिलता और फिर ये आपसे कोई ना कोई नाम से पैसे मांगते हैं। ये कह सकते हैं शुरुआत में जैसे आपने लोन के लिए अप्लाई किया, ये कहते हैं प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी। जब आप इसको दे देते हैं उसके बाद ये अलग चीज़ आपको बताते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी पे आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसको भी आप दे देंगे तो फिर ये आपसे कोई पैसा मांगेंगे, जैसे कि कहेंगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिर उसको भी आपने दे दिया तो टैक्स, फिर उसको भी आपने दे दिया तो कहेंगे कि ऐसा है कि आपने नंबर ही गलत डाला था, उसके वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और अब उसको खोलने के लिए आपको सही करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, उसको भी आप देंगे तब भी नहीं आएगा, फिर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आपसे पैसे मांगा जाएगा लेकिन लोन नहीं आएगा, क्योंकि लोन देने वाला ऐप नहीं है ये, आपको परेशान करने वाला ऐप है, आपका डेटा भी ले लेगा, पैसे भी ले लेगा, आपको बेवकूफ भी बना रहा है। तो यहां पे जाकर आप परेशान रहेंगे, आपको लोन नहीं मिलेगा, ये लोन देने वाला ऐप नहीं, पैसे लेने वाला ऐप है, आपका डेटा लेने वाला ऐप है और उसका किस तरीके से मिसयूज करेगा वो यही जानता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड लॉक करा दें और इसकी कंप्लेन करें जो भी NBFC से आपने लिया है लोन, RBI में कंप्लेन करें, गूगल प्ले स्टोर में कंप्लेन करें और इसके रिव्यू भी पोस्ट करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप साइबर क्राइम पोर्टल पर भी कंप्लेन करें। और अगर इन लोगों ने ज़बरदस्ती से आपके पास मैसेज भेजा कि लोन रिपे करो या हो गया आपके अकाउंट में पैसा भी ना आए तो तब भी आप डरिएगा नहीं, एकदम मत डरिएगा, क्योंकि ये सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये फेक ऐप है, इससे दूर रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि ये ढंग से लोन देने वाला ऐप नहीं, ये लोन ही नहीं देने वाला ऐप है। इसको डाउनलोड भी ना करें वरना आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी डिटेल्स, डेटा सब चले जाएंगे, सब रिस्क पे हो जाएंगे, फिर आप पछताइएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।